जय भोले की हर हर महादेव, पम पम भोले। आज मैं आपको सुख सागर श्रीमद् भगवत कथा प्रथम स्कंद का सातवां अध्याय सुना रही हूँ। सुनी अश्वस्थामा ने हने ध्रुपद सुता सूत पांच मणि लेकर तब पार्थ ने छाड़ियो गुरु सूत जांच। सुनी सोनक जी बोले सूत जी श्री नारद जी के चले जाने पर उनके अभिप्राय को जानकर श्री वेद व्यास जी ने फिर क्या किया। सूत जी बोले ब्राह्मण नदी सरस्वती के पश्चिमी तट पर शैम्य प्रयास नाम का एक सुंदर पवित्र आश्रम है जो कि चारों ओर से बद्री वृक्षों से घिरा हुआ है। वहीं पर सरस्वती नदी में स्नान कर नित्य क्रिया से निवृत्त हो स्थिर हुए व्यास जी मन में स्थिर करके ईश्वर में संलग्न हो गए। भगवत भक्ति योग से उनका अंतकरण पवित्र हो गया और फिर मन में प्रथम परम पुरुष को और पीछे उनकी माया को देखने लगे। माया से मोहित जीव अनर्थ को प्राप्त होता है और माया को दूर करने के लिए फिर भगवान में भक्ति योग को देखा जिससे यह जान गए कि श्री कृष्ण भगवान की भक्ति ही सर्व अमंगलों को नाश करने वाली है। तब फिर अज्ञानी जीवों के उद्धार के लिए उपकार करके श्रीमद् भगवत पुराण की सुंदर रचना आरंभ की जिसके सुनते ही श्री कृष्ण में शीघ्र ही भक्ति पैदा हो जाती है और जिससे संसार के रोग शोक महाधिक नष्ट हो जाते हैं। ऐसे श्रीमद् भगवत जी बनाकर एवं पुनरावर्ति करके उन्हें प्रथम अपने पुत्र सुखदेव जी को प्रेम से पढ़ाया। सोनक जी पूछने लगे हे सूत जी सुखदेव जी को अत्यंत निर्वर्ती प्रायण एवं आत्मा राम थे फिर किस लिए उन्होंने ऐसे विशाल ग्रंथ का पठन किया। सूत जी कहने लगे जो मनुष्य विज्ञानी हैं और मौनशील हैं वे तो सर्वदा हरि भगवान में ही भक्ति करते हैं। हरि भगवान के मधुर गुण तो सबों की रस्सी की भांति अपनी ओर आकर्षित कर लेती है जिसमें श्री सुखदेव जी तो जन्म से ही भगवत भक्ति के साक्षात स्वरूप हैं। इस श्रीमद् भागवतामृत रस को क्यों नहीं पान करेंगे। हे सोनक जी अब मैं आपको राजा परीक्षित जी के जन्म कर्म और मुक्ति को तथा पांडवों के महाप्रस्थान को सुनाता हूँ जिससे भगवान की कथाओं का उदय होकर अंतकरण में प्रकाश होगा। जब कुरुक्षेत्र के योद्धा में कौरव पांडवों के वीरों ने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए अपने प्राण त्याग दिए और भीमसेन ने अपनी गदा से दुष्ट दुर्योधन की जांघ तोड़ दी तब द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वस्थामा ने महा निंदनीय कर्म किया। रात्रि में सोते हुए द्रौपदी के पांचों पुत्रों के सिरों को तलवार से काट कर ले गया। तब अपने पुत्रों का नाश देखकर द्रौपदी विलाप करती हुई रोने लगी। उसको सुनकर वीर अर्जुन ने उस प्रिय द्रौपदी को सांत्वना दी और कहा हे भद्रे मैं आतंकताई दुष्ट अधम अश्वस्थामा के सिर को अपने गांडीव धनुष के तीक्ष्ण बाणों से काट कर अभी तेरे पास लाता हूँ जिससे पुत्रों की अंतोत्येष्टि क्रिया के अनंतर उसके सिर पर बैठकर स्नान कर तुम शोकाश्रु धाराओं को पहुँच सकोगी। इतना कह कर वीर अर्जुन ने अपने कवच धारण कर और गांडीव
धनुष हाथ में लेकर रथ में भगवान कृष्ण को अपना सारथी बनाया और गुरु पुत्र अश्वत्थामा के वध के लिए उनके पीछे चल दिए। बालकों की हत्या से उद्गन चित वाला वह अश्वत्थामा दूर से ही गांडीव धनुष ताने वीर अर्जुन को अपनी ओर आता हुआ देख इधर उधर अपना रथ दौड़ाता हुआ छिपने लगा। छिपने से प्राणों की रक्षा न होती समझकर और अपने घोड़ों को भी थका हुआ जानकर ऐसी आपत्ति में अपने प्राणों की रक्षा के लिए आचमन कर तथा ध्यान सत हो ब्रह्म अस्त्र नामक पहनकर अस्त्र का प्रयोग किया। यथापि इस अस्त्र का अश्वत्थामा लौटना नहीं जानता था, परंतु वह अपनी रक्षा के लिए और करता भी क्या। वह ब्रह्म अस्त्र तेजी के साथ प्रचंड प्रकाश धारण कर अर्जुन की ओर चलने लगा। तब अर्जुन ने अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा, हे कृष्ण, आप अपने भक्तों को सदैव अभय करने वाले हो, आदि पुरुष परमात्मा हो, अवतार धारण कर पृथ्वी का भार दूर करते हो। हे मुकुंद, यह सर्वोत्तम मुख भयंकर दारुण तेज कहाँ से आ रहा है तथा यह हमारे अल्प कल्याण का कर्ता तो नहीं है। आप शीघ्र मुझे बताइए यह क्या है। इस प्रकार कह कर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे पार्थ, यह अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्म अस्त्र है जिसका शांत करना वह नहीं जानता। हे अर्जुन, इसके निवारण का अन्य कोई भी उपाय नहीं, केवल ब्रह्म अस्त्र ही इस ब्रह्म अस्त्र को रोक सकता है। तुम अस्त्र विद्या में तो प्रवीण हो, अपने ब्रह्म अस्त्र के तेज से इसकी प्रचंड शक्ति दूर करो। श्री सूत जी बोले, यह सुनते ही अर्जुन ने शीघ्र ही आचमन परिक्रमा और ध्यान करके भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर अपना ब्रह्म अस्त्र चलाया। अब उन दोनों अस्त्रों का प्रचंड तेज आकाश और पृथ्वी पर व्याप्त हो गया। प्रलय की अग्नि के सदृश्य तेज बढ़ने लगा जिससे तीनों लोकों का विनाश होने लगा। तब यह देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति से उन दोनों अस्त्रों को शांत कर दिया। क्रोध से अपनी लाल लाल आंखें किए हुए अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे पांडु पुत्र, अब उस दुष्ट आत्मा अश्वत्थामा को क्यों नहीं पकड़ लेते। यह सुनकर अर्जुन ने शीघ्र उनको पकड़कर रस्सी से पशु की तरह बांध लिया। अपने गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र समझकर उनका वध करना उचित न समझा, यद्यपि वह दुष्ट मरने योग्य ही था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, हे धर्म यज्ञ अर्जुन, इस दुष्ट आत्मा के मरने में कोई दोष नहीं है, यानी आग लगाने वाला, विष देने वाला, बुरे नीति से शास्त्र ग्रहण करने वाला, धन लूटने वाला, खेत और स्त्रियों को छीनने वाला, यह छह आतंताई कहलाते हैं। सुनो, और आतंताई को मारने के लिए शास्त्र भी आज्ञा देता है, अतः ये तो मारने योग्य ही है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। फिर अर्जुन ने कहा, हे भक्त वत्सल प्रभु, जिस गुरुदेव की बताई विद्या से आज मैं इतने उच्च महत्व को प्राप्त हो रहा हूँ,
उनके प्रिय पुत्र को मार देने से उनकी आत्मा को कितनी अशांति उत्पन्न होगी और मेरे ही द्वारा मारा गया समझकर उनकी आत्मा क्या कहेगी। ऐसे उचित है कि शिविर में शोक में पड़ी हुई द्रौपदी को ही क्यों न सौंप दिया जाए। वह जो चाहेगी सो करेगी। ऐसा कह कर अर्जुन ने अपने रथ में उस अधम गुरु पुत्र को रस्सी से कस लिया और शीघ्र वहां से चलकर द्रौपदी के पास आए। शोक में मूर्छित पड़ी द्रौपदी हा पुत्र कहती हुई विलाप कर रही थी। तभी उनके सामने उस दुराचारी को अर्जुन ने लाकर खड़ा कर दिया। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी से कहने लगे, हे कल्याणी, तेरे सोते हुए पुत्रों के मारने वाला तेरे सामने ही उपस्थित है। अब बताओ तुम्हारी क्या चाहना है। सूत जी कहने लगे, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण चंद्र के वचन सुनकर द्रौपदी अपने पुत्रों के शोक को तो भूल गई और अपने पति की जगत विख्यात वीरता पर ध्यान देती हुई कहने लगी, हे प्रभु, यदि भी निर अपराध सोते हुए बालकों की हत्या इसके द्वारा हो चुकी है तो फिर क्या इसके मर जाने से शोकाग्नि शांत हो सकेगी। जिन गुरुदेव की बताई हुई अस्त्र विद्या से आज दिव्य कीर्ति प्राप्त है, उन गुरु पुत्र का वध करना क्या उचित है। हे प्रभु, गुरु तथा पतिव्रता गौतमी कृपा माता की आत्मा को आनंद देने के लिए आप शीघ्र इस ब्रह्मांड को छोड़ दो, कहीं मेरी तरह वह भी बेचारी न रोवे। इस घोर पाप का फल यह स्वयं प्राप्त कर लेगा। तब ऐसा कह कर नीचे को मुंह किए हुए और रस्सी से कसे हुए कांपती हुई देह वाले अश्वत्थामा को सामने खड़ा देख कर द्रौपदी का हृदय दया से भर गया और तुरंत अर्जुन के चरणों को नमस्कार करती हुई बोली, हे आर्य पुत्र, इस समय शीघ्र इसे बंधन से मुक्त करो। गुरुकुल को तो वीर पुत्र सोपन में भी दुखी नहीं करते। सूत जी ने कहा, सोनकादि ऋषियों ऐसे द्रौपदी के धर्म और न्याय युक्त करुण वचनों को सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर नकुल सहदेव अर्जुन कृष्ण व अन्य सभी ने द्रौपदी की बात का समर्थन किया। तब क्रोध हुआ भीमसेन कहने लगा, अहो, इसने व्यर्थ ही बालकों का वध किया है, इसीलिए इसका मार डालना ही उचित है। ऐसे सब भगवान श्री कृष्ण ने गदाधारी भीमसेन की बातें सुनी। तब मंद मंद मुस्कुराते हुए द्रौपदी तथा अर्जुन की ओर देखते हुए कहने लगे, हे अर्जुन, यदि ब्राह्मण मारने योग्य भी हो तो भी उसे न मारना चाहिए और आत्मताई मनुष्य को अवश्य ही मारना चाहिए। ये मैंने दोनों वचन कहे हैं, इसीलिए तू दोनों वचनों का पालन कर। अर्जुन ने विचारा कि भगवान कृष्ण गुप्त रूप से यह क्या कह रहे हैं, यह ब्राह्मण भी है और आताताई भी है, तो अब दोनों वचनों का पालन किस प्रकार किया जाए। इसे मार भी दो और मत मारो। ऐसी भगवान के हृदय की गुप्त बात जानकर भीमसेन और द्रौपदी को खुश करने के लिए वीर अर्जुन ने अपनी तलवार से शीघ्र अश्वत्थामा के मस्तक की दिव्य मणि केस समेत निकाल ली, जिससे वह दुरात्मा बाल हत्या के कारण
ब्रह्म तेजहीन श्रेहीन और मणिहीन हो गया। रस्सी से बंधे हुए उस अस्वस्थामा को बंधन से मुक्त कर शिविर से बाहर खदेड़ कर निकाल दिया। धन छीन कर स्थान से हटा देना और सिर के बाल काट देना ही ब्राह्मणों के लिए दंड बताया है। शरीर का वध करना श्रेष्ठ नहीं। इनके अंतर पांडवों ने शोकातुर होते हुए पुत्रों की अंतोत्येष्टि आदि क्रिया की। सातवां अध्याय समाप्तम। जय भुलकी। आठवां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जय भुलकी। हर हर महादेव। बम बम भुल। अगर आपको सुख सागर पूरी सुनी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय भुलकी लिखें। जय भुलकी।